अधिष्ठार्थी देवी माँ सरस्वती को मेरा सत सत नमन। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित विभागाध्यक्ष, पूजनीय गुरुजनों और मेरे प्यारे सहपाठियों, जैसा कि आप सभी को पूर्ण विदित है कि आज महात्मा गांधी की 191वीं जयंती है और आज ही राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। इस पावन अवसर पर मैं श्वेता कुमारी, मैकेनिकल फर्स्ट ईयर की छात्रा, आप सभी के समक्ष गांधी जी का जीवन दर्शन एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसकी उपयोगिता पर अपने मत रखने के लिए उपस्थित हुई हूँ। सर्वप्रथम मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहूँगी कि क्या गांधी जी के जीवन दर्शन और मूल्य वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी प्रासंगिक हैं। हाँ मित्रों, भारतवर्ष ही नहीं अपितु समस्त विश्व, जो कि हिंसा और घृणा की आग में जल रहा है, इसको यदि कोई बचा सकता है तो गांधी जी के मूल। महात्मा गांधी के जीवन में दो मूल्य के प्रति सबसे अधिक आग्रह और निष्ठा के दर्शन होते हैं। ये दो मूल्य हैं सत्य और अहिंसा के मूल। मैं हिंसा का विरोध करता हूँ क्योंकि उससे हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए रहता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। गांधी जी का कहना था, खुशी तो तब मिलेगी जो आप कहते हैं, जो आप करते हैं, जो आप सोचते हैं, वो सब एक ही हो। कहने के लिए दो मूल हैं, लेकिन वास्तव में इनके लिए एक ही मूल के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति सत्य पर टिका है वह अनिवार्यता अहिंसक होगा, यह उनका मूल विश्वास था। तभी तो अकबर इलाहाबादी ने गांधीनामा में लिखा है, लश्कर ए गांधी को हथियारों की कुछ हाजत नहीं, मगर बे इंतहा सब्र कनात चाहिए। गांधी की सेना को हथियारों की ज़रूरत नहीं है, उसे ज़रूरत है तो सिर्फ सब्र और संतोष की। जीवन भर गांधी ने ब्रिटिश शासन के साथ ही इन्हीं हथियारों के साथ संघर्ष किया और उन्हें पराजित भी किया। गांधी आस्तिक थे और ईश्वर की सत्ता में उनकी गहरी आस्था थी। उनका कहना था, आप मानवता में विश्वास ना करिए, मानवता सागर की तरह है, अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हो जाती हैं तो उससे पूरा सागर नहीं गंदा हो जाता। उनके लिए ईश्वर का ही दूसरा नाम था सत्य और अहिंसा, यानी सत्य का दूसरा पहलू ही था, यानी ईश्वर, सत्य और अहिंसा उनके लिए एकाकर हो गए थे। अहिंसा का अर्थ केवल दूसरों के प्रति हिंसा का प्रयोग न करना ही नहीं था, इसका अर्थ था मन और आत्मा को अपने विरोधी के प्रति घृणा और द्वेष से पूरी तरह शुद्ध करना। यदि मन, वचन और कर्म में एक रूपता ना हुई और किसी एक में भी द्वेष या घृणा बची रह गई तो उसे अहिंसा नहीं कहा जा सकता। राजनीति के क्षेत्र में अनूठे जीवन दर्शन का कारगर इस्तेमाल करना और बेहतर भारतीय जनमानस के प्रतिष्ठित करके उसे सत्याग्रह में विदेशी शासन के विरोध का हथियार बनाना गांधी जी की ऐसी उपलब्धियां हैं जिन्हें सदियों तक याद रखा जाएगा। यह अकारण नहीं कि चाहे मार्टिन लूथर किंग हो, नेशनल मंडेला या शेख मुजीबुर रहमान हो, सभी ने उनसे प्रेरणा ग्रहण की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान ने गांधी जी के जीवन से प्रेरणा ली थी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने गांधी जी के जीवन मूल्यों को संयुक्त राष्ट्र की आधारशिला बताया था। आज हमारे देश में भारतीयता और हिंदू धर्म की दुहाई देने वाले लोग वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ आदर्श व्याग दोहराते हुए नहीं थकते, लेकिन इसके साथ ही वे अन्य देशों के खिलाफ शत्रुता का भाव उभारने के लिए सतत प्रयत्न में लगे रहते हैं। लेकिन महात्मा गांधी का लक्ष्य था विश्व शांति, इसके लिए वे सच्चे अर्थों में वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श का पालन करने के लिए कटिबद्ध थे। अब मैं आप सबसे ये पूछना चाहूँगी कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब समस्त देश हिंसा की आग में जल रहा है तो क्या हमारे राष्ट्रपिता के जीवन मूल प्रासंगिक नहीं हैं? वे इतने प्रभावशाली थे कि महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने उनके विषय में कहा था कि आने वाली पीढ़ियां बहुत ही मुश्किल से यकीन कर पाएंगी कि धरती पे कभी ऐसा भी व्यक्ति चला था, मांस और रक्त से पूर्ण ऐसा भी व्यक्ति चला था। मूल्यों को वक्त रहते समस्त विश्व में अग्रसर नहीं किया गया तो कदाचित वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी आंखों के सामने बारूद के ढेर पर बैठे हुए विश्व को छिन्न भिन्न होते हुए देखेंगे। मैं अब गांधी जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगी, कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। कैसा संत हमारा गांधी, कैसा संत हमारा, दुनिया को भी उसकी दुश्मन जग सारा, आखिर में सब देखा साधो वह जीता जग हारा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।